तो प्रोसेस करते हैं एक्सरसाइज 3.2। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 11 तक कवर कर चुके थे, अब आइए क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 है, गिवन थ्री ब्रैकेट एक्स वाई जेड डब्लू इक्वल टू एक्स 6 - 1 2 W प्लस 4 X + Y Z + W 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो आपको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, सबसे पहले इसे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3X 3Y 3Z 3W। ठीक है, और इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा X+4 X+Y+6 Z+W - 1 2W+3। अब कंपेयरिंग करेंगे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। ठीक है, तो 3X = X+4, 3Y = X+Y+6, 3Z = Z+W - 1 और 3W = 2W+3। तो आप x को लेकर आए लेफ्ट हैंड साइड पे, 3X - X = 4, 2X सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2X हमें मिलेगा = 4, 2 1 2 2 2 4, तो X = 2। y को आप शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 3Y - Y = X+6, एक्स के प्लेस पे इसकी वैल्यू को रख देंगे 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2Y = 8, 2 1 2 2 4 8, तो Y = 4। जेड को आप शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 3Z - Z = W - 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2Z = W - 1। इसको आप यहीं रहने दें। पहले यहाँ से हम W या तो ओमेगा बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ओमेगा भी कहें तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको शिफ्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 3W - 2W = 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो W = 3। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो 2Z = 3 - 1 2Z = 2, कैंसल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा Z की वैल्यू 1। ठीक है, लिखेंगे द रिक्वायर्ड वैल्यू इज X = 2 Y = 4 और Z = 1 W = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 है, इफ फंक्शन ऑफ X = (cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1) सो दैट फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ X + Y। ठीक है, अब सुनो, फंक्शन ऑफ एक्स हमें गिवेन है cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1। ठीक है, तो वाई भी वही होगा। वाई क्या होगा, फंक्शन ऑफ वाई होगा cos y - sin y 0, sin y cos y 0, 0, 1। ठीक है, बहुत इजी से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कुछ आइडेंटिटी हमें यूज करने पड़ेंगे। तो LHS = (fx · y)
फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ज़ीरो, साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो 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 वन, और फंक्शन ऑफ वाई होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो, साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो 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 वन। ठीक है, अब इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो करते हैं, देखिए कॉस को मल्टीप्लाई करें, कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस वाई के साथ में, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स को माइनस साइन वाई से, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई और साइन को करेंगे इसके साथ, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, जीरो को भी मैंने इसको कर रहा हूँ, जीरो को मल्टीप्लाई करूँगा तो वही हमें मिलेगा, और कॉस को मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो, साइन को मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई वन से करेंगे जीरो, तो यानी कि फाइनली हमें मिल रहा है यहाँ से जीरो। मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स कॉस वाई हमें मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हमें मिलेगा कॉस वाई, सॉरी कॉस एक्स साइन वाई, और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो उसको नहीं लिखना है। ठीक है, फिर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन एक्स को माइनस साइन वाई से। ठीक है, साइन यहाँ मैंने ले लिया, और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस वाई के साथ। ठीक है, और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा, उसकी सो करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये ज़ीरो ज़ीरो वन, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमें आइडेंटिटी पता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस सॉरी साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से हम माइनस को बाहर ले लेते हैं और अरेंजमेंट करके लिखते हैं, तो माइनस बाहर ले लिया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसको इसका भी हमें आइडेंटिटी पता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई, इसको अरेंजमेंट करके लिखते हैं, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक, और यहाँ पे हमारा ज़ीरो छूटा हुआ है, ज़ीरो छूटा हुआ है, ये ज़ीरो ज़ीरो वन। तो कॉस एक्स प्लस वाई, देखिए इसकी आइडेंटिटी हमें पता है क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई, हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा था कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी। अब ए प्लस की बी के प्लेस पे यहाँ हमारा एक्स और वाई है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एलेवेंथ की आइडेंटिटी यूज़ हो रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, साइन
एक्स प्लस वाई, इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी ज़ीरो 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 वन, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब यहाँ से समझो, जब हमारे पास में फंक्शन था फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो हमें ये गिवेन था, ठीक है, और फंक्शन ऑफ वाई हमने क्या किया कि एक्स के प्लेस एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें शो करना क्या था कि फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इक्वल होगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई का। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, फंक्शन वही कॉस है, ठीक है, और एक्स प्लस वाई इन टर्म में है, तो यही हमें शो करना था, ठीक है। कॉपी कीजिए, क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 14 में दो पार्ट हैं इसके, एक पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे और एक पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन 14। सो दैट ब्रैकेट 5-1, 6, 7 इंटू ब्रैकेट 2, 1, 3, 4 नॉट इक्वल टू ब्रैकेट 2, 1, 3, 4 इंटू ब्रैकेट 5-1, 6, 7, ठीक है। अब समझो, आपको यह दिखाना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये आपको शो करनी है। तो करते हैं, देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में तो माइनस 3, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में 5, और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में तो माइनस 4, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में तो 12, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में तो 21, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में 6, और 7 को मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे तो 28। हम इक्वल लेके चलेंगे, टू को मल्टीप्लाई 5 से 10, 1 को मल्टीप्लाई 6 से 6, 2 को मल्टीप्लाई -1 से -2, 1 को मल्टीप्लाई 7 से +7, 3 को मल्टीप्लाई 5 से 15, 4 को मल्टीप्लाई 6 से 24, 3 को मल्टीप्लाई -1 से -3, 4 को मल्टीप्लाई 7 से 28। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा हमें, इसको ऐड करेंगे तो 3 यानी कि 33 मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो हमें 34 मिलेगा। इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और इसको ऐड करेंगे तो 39 मिलेगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है प्रोडक्ट करने के बाद में, ठीक है, तो नॉट इक्वल का साइन हम लगा देंगे और यही हमारा आंसर होगा। कॉपी कीजिए, क्वेश्चन 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड ए स्क्वायर -5a+6i इफ ए इक्वल टू ब्रैकेट 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1, 0। आपको फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर -5a+6i जबकि आपके पास में मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर, अगर कहीं पे ए क्यूब रहता है तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन टाइम टेकन होता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए होता है,
इक्वल टू 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 2 2 1 0 1 -1 0 1 3 0 ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, और 0 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, उसे नहीं लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 को मल्टीप्लाई 0 से नहीं लिख रहे हैं, 0 को मल्टीप्लाई इससे नहीं लिख रहे हैं, -1। 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, और 0 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 0 मिल जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो भी 0 मिलेगा, नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, और 1 को मल्टीप्लाई 2 से 2, 3 को मल्टीप्लाई 1 से 3, 2 को मल्टीप्लाई 0 से नहीं लिखेंगे, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, और 3 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और 1 को मल्टीप्लाई 3 से तो 3, और 3 को मल्टीप्लाई 0 से तो हमें मिलेगा 0, उसको नहीं लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो 2, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -2, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें मिलेगा 0, उसको भी नहीं लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई 0 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से +1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -3, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 नहीं लिखेंगे। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 -1 2, ये आपका 7 2 9, -2 5 0 0 -2, ये तो हमें ए स्क्वायर यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब बहुत इजी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अब प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a + 6i। ठीक है, इक्वल टू तो ए स्क्वायर हमारे पास में आया 5 -1 2 9 -2 5 0 0 -2। ठीक है, माइनस की साइन है, 5 से मल्टीप्लाई करना है ए को, मैट्रिक्स जो गिवन है, तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 +6i, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब करना है आपको मल्टीप्लाई, तो करते हैं हम इधर सॉल्यूशन। जगह नहीं है, इसको मैं बाद में शो कर दूंगा। 5 9 0 -1 -2 0 2 5 -2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -10 -10 -5 -5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 0 -5 +5। ठीक है, -5 -15 और 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ डायगनल में 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, 5
9 0 minus 1 minus 2 0 2 5 minus 2 प्लस, देखिए इसको ऐड करेंगे ठीक है, तो ये माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 0 माइनस 5 माइनस 10, इसको ऐड करेंगे बट ये प्लस ये माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 और 6 ठीक है। फर्दर हम इसे ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो देखिए हमें 5 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 1 माइनस 1, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 3, और माइनस 10 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1, और माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 4, ये वैल्यू हमारा आ गया ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई इक्वल टू हमें मिला 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 5 4, ये हमें मिला। अब चेक करते हैं इसके आंसर क्या गिवन है। क्वेश्चन 15 ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 4, अच्छा यहाँ 4 आना चाहिए, मिस्टेक इसमें। अच्छा 1 को 0 से, माइनस 1 को माइनस 0 से इसको करेंगे, अच्छा यहाँ पे आपका माइनस 1 होगा तो यहाँ माइनस 1 होगा आपका, और माइनस 1 यहाँ होगा, माइनस 1 माइनस 1 ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आपका 4 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा ठीक है, कॉपी कीजिए।